हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पे आपका वेलकम है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पर बहुत ज़रूरी है जो लोग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से, जिसको हम HSVP या हुडा भी कह देते हैं, हुडा के सेक्टर्स आप सुना होगा, उसमें प्लॉट तो खरीदना चाहते थे बट उनकी मजबूरी ये थी, वो इतने कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे कि वो खुद से ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सके या खुद से रजिस्ट्रेशन कर सके और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रॉपर्टी खरीद सके, प्लॉट खरीद सके या कोई कमर्शियल शॉप्स खरीद सके या कोई SEO खरीद सके। ऐसे सैकड़ों लोगों के पिछले 1 से 1.5 साल में हमारे पास फोन्स आए हैं जो लोग कहते थे हम प्रॉपर्टी तो खरीदना चाहते हैं बट हम इतने कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, हम इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं कि हम खुद से ई ऑक्शन करवा सके, खुद से हम रजिस्ट्रेशन कर सके HSVP की वेबसाइट पे और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। मुझे भी ये लगता था कि हरियाणा सरकार को ऐसा कुछ ना कुछ प्रोविज़न करना चाहिए लोगों के बारे में, लोगों के लिए, ताकि जो लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है वो भी एक्सेस हो सके, उनको भी एक्सेस मिल सके, वो भी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके और प्रॉपर्टी खरीद सके। क्योंकि ई ऑक्शन में जो प्रॉपर्टी है कंपेयर टू जो मार्केट है, जो मार्केट में ओपन रेट में प्रॉपर्टी मिलती है उसे सस्ती मिल जाती है। उसका रीज़न आपको पता ही है, जो इन्वेस्टर होते हैं या जो ब्रोकर होते हैं वो भी ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर आगे उस पर अपना मार्जिन रख के उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। तो जो एंड यूज़र हैं उनके लिए ये समस्या थी। बहुत बड़ा तबका ऐसा है, अभी हरियाणा क्या हमारे देश की बात करें, हमारे देश में अभी इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, लेकिन हमारे देश में तेज़ी से इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इंटरनेट को उस तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। शायद इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको इंटरनेट की समझ नहीं है, तब भी आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं ई ऑक्शन में तो प्लॉट भी खरीद सकते हैं, कोई शॉप्स खरीदना चाहते हैं शॉप भी ले सकते हैं, SEO खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हरियाणा सरकार ने ये एक नोटिफिकेशन निकाला है, न्यूज़पेपर में इसका एड दिया है, इसमें ये बताया गया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से ई ऑक्शन करवाने का प्रावधान किया है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जितने भी CSC बने हुए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसमें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ई ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए हमने भी वीडियो बनाया था, बहुत लोगों को दिक्कत आती थी तो उसका भी बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर करीब 450 है पूरे हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर आप ई ऑक्शन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आप जो है उसमें पार्टिसिपेट करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें कॉमन सर्विस सेंटर वाले आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेंगे। अगर आपसे किसी तरह का कोई चार्ज लेता है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। हरियाणा सरकार का जो विज्ञापन आया है, हरियाणा सरकार का जो नोटिफिकेशन आया है, जो एडवर्टीजमेंट आया है, उसमें ये कहा गया है कि ये शुरुआत में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे हो रहा है और आने वाले दिनों में इसको नीचे के लेवल पर भी ये लेकर जाएंगे और आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली से या आसपास के दूसरे शहरों से, यूपी के शहरों से या दूसरे राज्यों के शहरों से इस वीडियो को देख रहे होंगे या बहुत सारे NRIs भी देख रहे होंगे, बट उनको तो पता है कि एक इंटरनेट वाली चीज़ें उनके लिए बहुत इजी हैं। पास्ट में ऐसा होता था जो हुडा के सेक्टर्स हैं उसमें ई ऑक्शन से प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, सेल नहीं की जाती थी। उसमें क्या होता था, लॉटरी सिस्टम होता था, आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करना होता था, फिर उसमें लॉटरी की तरह आपका नाम निकल आता था तो आपका वो प्लॉट हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे जैसे इंटरनेट का और कंप्यूटर का पेनिट्रेशन बढ़ा, तो ये चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। ऑनलाइन होने से बहुत सारा, बहुत बड़ा तबका ऐसा हो गया जिसकी कंप्यूटर और इंटरनेट तक एक्सेस नहीं है, वो ई ऑक्शन को चाहते हुए भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने ये प्रोविज़न कर दिया है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर जो चलाता है उससे, और उसके बाद आप जो बिडिंग होती है, जो ई ऑक्शन होता है किसी भी प्लॉट को, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो करवा सकते हैं। HSVP क्या है बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ। HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जैसे दिल्ली में
DDA है, उसी तरह हरियाणा में HSVP है, पंजाब में जिस तरह पुडा होता है, और गाजियाबाद में जिस तरह GTA है, और नोएडा में जिस तरह नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, और यमुना एक्सप्रेसवे पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है। इनके माध्यम से जो सेक्टर्स काटे जाते हैं उसमें प्लॉट निकाले जाते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी निकाली जाती है। सब जगह अब ई ऑक्शन के माध्यम से ही, ऑनलाइन ही प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन होता है, यानी प्रॉपर्टी बेची जाती है, जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाता है, सबसे ज्यादा बोली लगाता है, उसको वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में हरियाणा सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है। और ये जो मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में आया था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मेरी नज़र इस पर पड़ी, तो मुझे लगा कि आपके काम की खबर है ये, आपके काम की चीज़ है, मुझे आप तक पहुँचानी चाहिए। बहुत सारे लोग अखबार पढ़ते हैं लेकिन कई बार चीज़ें उनके सामने से निकल जाती है, वो छूट जाती हैं तो नहीं पता लग पाता, तो मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई हैं कि आपको CSC के माध्यम से भी ई ऑक्शन करवा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? एक इससे फायदा ये होगा कि जो लोग इंटरनेट नहीं जानते हैं वो भी अभी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये कॉमन सर्विस सेंटर हमें पता कहाँ से लगेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारे शहर में, हमारे ब्लॉक में है कहाँ पर? तो आप बेफिक्र रहिए, उसके लिए भी मैं हूँ। मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको बस क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी, उस वेबसाइट में आपको अपने शहर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने ब्लॉक का नाम डालना है। और ब्लॉक का नाम डालने के बाद जो कॉमन सर्विस सेंटर आपके ब्लॉक में है, आपके डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप उस कॉमन सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाकर अपना, आप किसी भी अपने शहर के सेक्टर में जहाँ पर प्लॉट निकले हैं, जिन्हें हम हुडा सेक्टर कहते हैं हरियाणा में, आप किसी भी हुडा सेक्टर में जहां नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, पुराने सेक्टर्स में प्लॉट निकले हैं, वहां प्लॉट खरीदने के लिए आप इस प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। तो ये एक हरियाणा सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और मैं आपको एक चीज़ के साथ साथ और बता दूं, बहुत सारे लोगों को जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता नहीं होगा ये ई ऑक्शन कब कब होती है, तो उसके बारे में भी मुझे जानकारी देना बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP या जिसको हुडा भी कह देते हैं, उसके द्वारा महीने में एक बार, दो बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार भी, लगभग पूरे महीने ई ऑक्शन चलती रहती है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगर आपका किसी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेशन छूट गया है, आप किसी ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो आप नेक्स्ट जो ई ऑक्शन आएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अब जनवरी का महीना आने वाला है, पूरे जनवरी के महीने में ई ऑक्शन चलती रहेगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भी, स्कूल की साइट्स, मॉल्स, बहुत बड़े बड़े जो लैंड के पार्सल हैं उनकी भी ई ऑक्शन चलती रहेगी। आप अपने बजट के अनुसार किसी भी प्रॉपर्टी में ई ऑक्शन कर सकते हैं, बेशक आपको कंप्यूटर आता हो ना आता हो, बेशक आपको इंटरनेट आता हो ना आता हो, बट आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये दी है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, अब मैं आपकी एक ड्यूटी लगाता हूँ, अब मैं आपको एक काम सौंपता हूँ, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँचाएं आप, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से पहुँचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को ये पता रहे कि ई ऑक्शन के माध्यम से सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, आपको प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हुडा के सेक्टर में जो प्रॉपर्टी मिलती है वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं, सस्ती खरीद सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाएं और वहां पे जाकर ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके वो अपने सपनों का घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद सके, या कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो अपनी शॉप खरीद सके या वो SCO खरीद सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर लगातार आते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।